नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और वहीं आप आज देख सकते हैं कि महाराजा हरि सिंह पार्क के अंदर जो है काफी तादाद में जो है आशा वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रही है, पॉलिसी फ्रेम करने की बात कर रही है और आज से नहीं काफी समय से ये लगातार प्रोटेस्ट करते हुए आपको यहाँ पर अक्सर देखने को नजर आएगी। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि महाराजा हरि सिंह पार्क में जो है इस समय आशा वर्कर्स द्वारा जो है प्रोटेस्ट करेंगे और बार बार इन ये स्लोगन गा रही है, अपना हक छीन के लेके आधी रोटी खाएंगे, अपने हक को लेकर जाएंगे। बार बार यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर काफी तादाद में इस समय आशा वर्कर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। पॉलिसी फ्रेम की बात की जा रही है और भी डिमांड है जिसको लेकर ये आज यहाँ पर लंबे टाइम से ये काफी समय से प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन आज देख सकते हैं महाराजा हरि सिंह पार्क में काफी तादाद एकत्रित हुई है और लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्यों इनकी ये जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है, पॉलिसी फ्रेम के साथ साथ और भी क्या डिमांड्स है इनकी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे आज फिर से आप आशा वर्कर्स जो हैं जम्मू की सड़कों पर उतरी है, पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात की जा रही है और क्या क्या डिमांड्स हैं जो आप सरकार से मांग रहे हैं? हमारी सरकार से बहुत सी सारी डिमांडे हैं। जब आशा लगाई थी इन्होंने जच्चा और बच्चा के लिए, तब तो पांच काम दिए थे, तो इन्होंने बोला था कि ये काम है हमारे। उस टाइम हमें क्या देते थे? कुछ नहीं देते थे, 150 रुपया देते थे। 150 के बाद 300 हुआ, 500 हुआ, 600 हुआ, 800 हुआ, उसके बाद ही ऐसे हमने ये संघर्ष कर करके हमने ये लिया है, यूनिफॉर्म लिया है, आइडेंटिटी कार्ड लिया है, सब कुछ लिया है। उसके बाद अभी देखो 5 साल हो गए, 2018 में हमारा 2000 हुआ था इंसेंटिव, तो अभी 2023 चल रहा है, तो 2000 में मैम हमारा गुजारा नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, चूल्हा चौका चलाना बहुत मुश्किल है इस जमाने में, 2000 का आता कुछ नहीं है। और आशा वर्कर को काम इतना थोपा हुआ है कि कहने की बात नहीं। एनसीडी का सर्वे ले आओ, आवा आईडी बनानी है वो सर्वे ले आओ, अब कोई भी डिलीवरी की जो केसेस लेके जाती है आशा वर्कर हमारी, वो हॉस्पिटल में जाती बैठने के लिए उनके लिए जगह नहीं है, ऐसे भी उनको हरासमेंट किया जाता है। आशा वर्कर की कहीं भी सुनाई नहीं है, तो हमारी एलजी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आशा का जो आप 2000 इंश्योर इंसेंटिव दे रहे हो, तो कम से कम हमारा मिनिमम वेजी 26000 होना चाहिए। तो 26000 जब तक ये नहीं देती सरकार, हमें स्टेट का दर्जा जो है 10000 दो, हमें स्टेट का दर्जा दीजिए, यही डिमांड है हमारी। शुक्रिया। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर हमने आशा वर्कर में एक लेडी से बात की, उनका ये कहना है कि जिस तरह से डेली वेजेस जो उनके वेजेस उनको मिल रहे हैं उसको लेकर जो डिमांड कर रही है कि 26000 पर महीना इन्हें मिलना चाहिए। और आप इस समय ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप महाराजा हरि सिंह पार्क में जहाँ पर आशा वर्कर जो है आज प्रोटेस्ट करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, अपनी डिमांड को लेकर लंबे समय से ये जो प्रोटेस्ट कर रही है, कहीं सुनवाई जो है इनकी नहीं हो पा रही। 2018 में इनकी जो इनको जो मिलता था वो 2000 रुपए थे, लेकिन अब ये डिमांड चाहती है कि जो इनके वेजेस है उन्हें बढ़ाया जाए। मैडम, आज बहुत सारी आशा वर्कर है जो सड़कों पर उतरी है, आज प्रोटेस्ट भी कर रही है, डेली वेजेस को लेकर आप अक्सर हमने देखा आपको प्रोटेस्ट करते हुए, आज के मुद्दों को लेकर आएंगे? हाँ, मैं इसी है, मेरा नाम दया मिश्रा, मुखाब आपसे हम इसी मुद्दों को लेकर बाहर निकले क्योंकि हमारे हमने सैलरी की मांग की है, हम एक हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय जो है आशा वर्कर आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पर आपने देखा तारीगाम जी के
मुख्य लीडर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन इस समय वो भी यहाँ पर कुछ कहना नहीं चाहते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराजा हरि सिंह पार्क, इनका जो प्रोटेस्ट है वो इस समय उग्र होता जा रहा है। बार बार इनका यही स्लोगन है, 2000 में दम नहीं, 26,000 से कम नहीं। ये जो अपने वेजेस हैं, ये महीना चाहते हैं कि 26,000 का महीना इन्हें मिले, क्योंकि आशा वर्कर जिस तरह से काम करती है उसको लेकर जो इन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका बार बार कहना है कि 2000 से घर नहीं चलता। जिस तरह से महंगाई का दौर है, 2000 का महीना जो है उससे घर का खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल है। इनका ये कहना है कि 26,000 रुपए महीना मिले, ताकि जो इस समय महंगाई का दौर है, इस समय जो स्थिति बनी हुई है उसमें इन्हें कहीं तो कुछ सहूलियत मिले। जिस तरह से ये काम करती है 24/7, और जो इस समय वेजेस है इनके वो ना के बराबर इन्हें इस समय दिए जा रहे हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आज काफी तादाद में जो है आशा वर्कर इस समय सड़कों पर उतरी हुई है, महाराजा हरि सिंह पार्क के अंदर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही हैं, अपने हकों के लिए लड़ती हुई। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वही आज जम्मू में देखा जा रहा है कि जम्मू की आशा वर्कर जो है किस तरह से इस समय सड़कों पर है अपने हक के लिए। आप इस समय तो लाइव दृश्यों में देख रहे हैं, इस समय जो है तारीगामी CPIM के जो सीनियर लीडर है वो इस समय यहाँ पर आए हुए हैं। जो वर्कर है आशा वर्कर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से इनकी डिमांड है शायद इन पर जो है सुनवाई की बात की जाए। और आप इस समय जो दृश्य देख रहे हैं, ये इस समय के दृश्य जो है आशा वर्कर्स के हैं। तो जैसे कि देखा आपने, आशा वर्कर्स जो है अक्सर हमें सड़कों पर अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए नजर आती हैं, लेकिन आज फिर से ये सड़कों पर उतरी हैं, महाराजा हरि सिंह पार्क में अपना प्रोटेस्ट कर रही हैं। इनकी सिर्फ सरकार से एक ही डिमांड है, एक ही अपील है कि जो 2000 रुपए इन्हें महीना मिलता है उसे बढ़ाकर 26,000 किया जाए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में 2000 रुपए में घर चलाना नामुमकिन है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रही ग्रेटर जम्मू के साथ कैमरामैन अजय दाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।